दोस्तों, ट्रांसपोर्ट के उद्योग में, खास करके जो कार्गो ट्रांसपोर्ट है, उसके अंदर एक बहुत बड़ा मुद्दा कई सालों से हम उठाते आ रहे हैं लगातार और आप सहते आ रहे हैं, वो ये है कि जब गाड़ियां पकड़ी जाती हैं टैक्स अथॉरिटीज के द्वारा कि जो माल है उनके अंदर लदा हुआ या तो वो दो नंबर का है या उसके कागजात वगैरह पूरे नहीं है, उस चक्कर में गाड़ियों को पकड़ लिया जाता है। असल में तो माल पकड़ना होता है, क्योंकि माल गाड़ी में होता है तो गाड़ी साथ में पकड़ी जाती है, और कई बार व्यापारी उसको छुड़वाने आ जाता है और कई बार नहीं आता, लेकिन गाड़ियां उस चक्कर में कई कई दिन, कई कई महीने, कई कई साल पुलिस स्टेशन में या टैक्स अथॉरिटीज के पास खड़ी रहती हैं। ये सिस्टम गलत है, इसमें सुधार की ज़रूरत है, ऐसा बहुत देर से आवाज़ें उठ रही हैं। हाल ही में कुछ जजमेंट्स आई हैं जिनका जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग केस हैं, लेकिन जो बिचकार का मुद्दा, जो मेन पॉइंट, सेंट्रल पॉइंट है, वो यही है। इसके ऊपर कई जजमेंट्स आ चुकी हैं अच्छी वाली, जिसका जिक्र हम कर चुके हैं। आज एक और जजमेंट आई है, एक और किस्सा है, उसके बारे में आपको बताएंगे कि अगर व्यापारी का कसूर है, उसके माल में कोई गड़बड़ है, उसका टैक्स अदा नहीं किया गया, तो क्या गाड़ी को नहीं छोड़ेंगी अथॉरिटीज़। ऐसा ही एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है और बहुत अच्छी जजमेंट है, जिसका जिक्र आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में मैं करूँगा। अगर आप कार्गो ट्रांसपोर्ट से, ट्रकिंग के थोड़ा सा भी दिलचस्पी रखते हैं, उसके अंदर इन्वॉल्व हैं, तो ये जानकारी आपके लिए बहुत लाभकारी साबित हो सकती है, इसलिए पूरा वीडियो देखिए एक छोटे से कमर्शियल के बाद। अपने साथियों को भी डाउनलोड करवाएं ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप, ताकि उनको मिल सके ट्रांसपोर्ट टीवी की 3 गुना खबरें, भारी बचत और भरोसे वाला वाहन बीमा, मुसीबत में काम आने वाली ट्रांसपोर्ट हेल्पलाइन। अभी डाउनलोड करें ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप गूगल प्ले स्टोर से। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, ये जो जजमेंट आई है, ये माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से आई है, 15 फरवरी 2022 की ये जजमेंट है, और ये जो इसका पूरा फोकस है वो इसी मुद्दे पर है जो अभी मैंने आपसे डिस्कस करा, कि माल जिस केस के अंदर जिसकी टैक्स लायबिलिटी बनती है, पेनल्टी बनती है, और उसके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं या दो नंबर का माल कहें, उस केस के अंदर गाड़ी का क्या होगा, इसी मुद्दे को लेकर ये पूरा केस है। और सेक्शन 129 एंड 130 CGST एक्ट, इन्हीं धाराओं के ऊपर ये पूरा केस चला, जिसका फैसला आया। और इस केस में जो जज साहबान थे वो जस्टिस अजय तिवारी जी और जस्टिस पंकज जैन, इनकी ये जजमेंट है। पहले मैं आपको केस बता दूं, विजय ममगेन वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स, हरियाणा का ये केस है। दोस्तों, इस पूरी जो ग्राउंड रिपोर्ट में है, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा कि कब गाड़ी पकड़ेगी कब नहीं पकड़ेगी, हम सिर्फ जो लीगल पॉइंट है उसके ऊपर बात करने वाले हैं। लीगल पॉइंट ये है कि एक गाड़ी पकड़ी जाती है, उसका जो माल है उसके डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं और गाड़ी को पकड़ लिया जाता है। जो व्यापारी हैं, जो कंसाइनर कंसाइनी, दोनों माल को छुड़वाने नहीं आते हैं। अब गाड़ी तो छुड़वानी है गाड़ी मालिक ने, तो उस केस में हमने पहले एक रिपोर्ट में आपको बताया था कि CGST जो एक्ट है उसके अंदर एक प्रावधान है कि गाड़ी मालिक ₹1,00,000 का जुर्माना भर के अपनी गाड़ी छुड़वा सकता है। वैसे तो ये एक अलग मुद्दा है कि ये ₹1,00,000 भी अपने आप में जायज़ है, नहीं है वो, लेकिन इस विषय आज वो विषय नहीं है। आज विषय ये है कि गाड़ी मालिक जो है वो ₹1,00,000 का जुर्माना भी भर देता है, बावजूद इसके उसकी गाड़ी नहीं छोड़ी जाती। इसी वजह से जब गाड़ी मालिक टैक्स अथॉरिटीज को बार बार ये कहता है कि उस पर प्रोविजन में प्रावधान है और मैंने अपना जुर्माना भर दिया है जो गाड़ी वाले को देना है, अब जो गुड्स हैं, जो सामान है, उसका मैं थोड़ी लायबल हूँ, अब उसका तो व्यापारी लायबल है, इसलिए मैं वो जुर्माना नहीं भरूंगा। तो लेकिन जो टैक्स अथॉरिटीज़ होती हैं वो कहते हैं कि ठीक है, ये ₹1,00,000 तो तुझे देना ही है, लेकिन जो माल के ऊपर टैक्स बनता है और उसके ऊपर पेनल्टी बनती है वो बहुत ज़्यादा, वो लाखों में है, वो भी तुम्हें ही अदा करनी पड़ेगी। इस बात पर पेच फंसा और ये मामला कोर्ट में चला गया। जब कोर्ट में चला गया तो जो डिपार्टमेंट है, टैक्स अथॉरिटीज़ जो हैं, वो अपने पक्ष में 2-3 पॉइंट रखती हैं। काफ़ी पेचीदा जजमेंट है, मतलब थोड़ा समझना मुश्किल है, इसलिए मैं बहुत आसान करके आपको समझा रहा हूँ। तो इसके अंदर मोटे मोटे 2-3 पॉइंट्स उन्होंने रखे। पहला तो ये, गाड़ी तभी छोड़ी जा सकती है जब पूरा टैक्स जो सामान माल के ऊपर लगना है वो और उसकी पेनल्टी दोनों अदा की जाएंगी, पहला पॉइंट। दूसरा, व्हीकल ओनर और गुड्स ओनर में कोई फर्क नहीं किया जा सकता, ऐसा टैक्स अथॉरिटीज़ ने वहाँ पर कहा, जो उनकी काउंसिल थी। दोनों एक ही आइडेंटिटी है, मतलब अलग अलग करके नहीं देख सकते हैं कि माल वाले नहीं आए हैं, गाड़ी वाले आ गए हैं, गाड़ी छोड़ दो, ऐसा नहीं हो सकता, ये कहना था टैक्स अथॉरिटीज़ का। तीसरा, उन्होंने कहा कि जो सेक्शन की बात हो रही है 130
सबसेक्शन 2 की, उसकी भी जो उन्होंने इंटरप्रिटेशन करी उनके हिसाब से वो गाड़ी नहीं ले जा सकता था, गाड़ी मालिक जो गुड्स हैं जो माल है उसकी भी अदायगी, उसकी जो टैक्स और पेनल्टी की अदायगी भी इसी को करनी पड़ेगी। मतलब कोई भी आ जाए, या तो व्यापारी आ जाए या गाड़ी मालिक आ जाए, दोनों टैक्स और पेनल्टी अदा होंगे, तभी गाड़ी और माल छोड़ा जा सकता है। अब अकेले नहीं हैं आप, देश की पहली ट्रांसपोर्ट हेल्पलाइन आ चुकी है ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप पर, अभी डाउनलोड करें। तो अब फाइनली बात ये करते हैं कि कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया। कोर्ट ने ये जो 2-3 तर्क टैक्स अथॉरिटीज ने दिए थे वो सारे के सारे खारिज कर दिए, कोई भी बात उनकी नहीं मानी। उन्होंने बताया कि आप कानून की गलत साइड खड़े हो, जो गाड़ी मालिक कह रहा है वो सही बात कर रहा है, जो टैक्स अथॉरिटीज बात कर रही हैं अपने वकील के जरिए वो गलत बात कर रही है। मैं आपको सिर्फ एक पैरा पढ़ के सुनाऊंगा जो लास्ट जजमेंट में लिखा हुआ है। By this judgment, this court has held that the principle of vicarious liability cannot be extended indefinitely. Court का कहना है कि जो एक सिद्धांत है vicarious liability का, वो उसको आप बहुत ज़्यादा indefinitely जितना चाहें उतना खींच नहीं सकते हैं। Vicarious liability क्या होती है कि मान लीजिए एक किसी कंपनी के एक छोटे कर्मचारी ने गलती कर दी, कोई फ्रॉड कर दिया, अब उस केस में कई सारे केसेस में उसका सीनियर को भी घसीटा जाएगा, कंपनी के सीनियर अधिकारी को भी घसीटा जाएगा उस केस के अंदर, क्योंकि आप भी लायबल हो, क्योंकि वो व्यक्ति आपके अंडर काम करता था, उसने फ्रॉड करा है तो आप भी जिम्मेवार हो। तो इसी तरीके से कहने का मतलब कि गलती किसी और की है लेकिन क्योंकि आप उसके साथ लिंक्ड हैं तो आपकी भी देनदारी बनती है, आसान भाषा में इसे वकेरियस लायबिलिटी बोला जाता है। लेकिन कोर्ट क्या कह रही है कि इस केस के अंदर आप इसको, ये नहीं है कि जितना मर्जी खींच दें, आगे एक्सप्लेन करते हैं। इन द प्रेजेंट केस ऑल्सो टू फोर्स द ओनर ऑफ द कन्वेयंस टू पे द टैक्स पेनल्टी एंड फाइन ऑन द गुड्स वुड मीन दैट द ओनर ऑफ द कन्वेयंस इज ऑल्सो वेस्टेड विद द वकेरियस लायबिलिटी ऑफ एनी मिस डिक्लेरेशन फ्रॉड बाय द ओनर ऑफ द गुड्स डिस्पाइट द प्रोविजन ग्राफ्टेड ऑन टू सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 130 ऑफ द एक्ट। वो कह रहे हैं कि अगर आप इसमें पेनल्टी लगा रहे हो गाड़ी मालिक को, तो इसका तो मतलब ये हो गया कि जो भी फ्रॉड या मिस डिक्लेरेशन करी व्यापारी ने अपने माल को लेकर, उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी आप गाड़ी मालिक के ऊपर डाल रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता है, ये गलत है। आप वकेरियस लायबिलिटी को इस तरीके से खींच नहीं सकते, जिसकी गलती है उसी की सज़ा मिलेगी। इस केस के अंदर गाड़ी मालिक का कोई कसूर नहीं है कि व्यापारी ने कोई गड़बड़ करी है इसलिए उसको सज़ा मिलेगी। तो उससे जो डिपार्टमेंट है वो टैक्स पेनल्टी और फाइन वसूलना चाहता था माल का, वो नहीं वसूल सकता है। हाँ, जो 1,00,000 रुपये की फीस थी वो बनती थी, वो उसने अदा कर दी गई है, इसलिए कॉन्सिक्वेंटली द आर्गूमेंट ऑफ द लर्नर्ड स्टेट काउंसिल इज रिजेक्टेड, रिजेक्ट कर दिए गए हैं तमाम आर्गूमेंट डिपार्टमेंट के, एंड इट इज डायरेक्टेड दैट द कन्वेंस बी रिलीज फॉरथविद, और इसके साथ ही ये डायरेक्शन दी जाती है कि गाड़ी को फौरन छोड़ दिया जाए। द गुड्स ऑब्वियसली वुड बी कन्फिस्केटेड एंड डिस्पोज्ड ऑफ बाय द रिस्पोंडेंट्स इन अकॉर्डेंस विद लॉ। जहां तक माल की बात है वो कन्फिस्केट रहेगा, वो कब्जे में रहेगा डिपार्टमेंट के, और उसके ऊपर कार्रवाई कानून के अनुसार अलग से होगी, जो नियम उसके ऊपर लागू होते हैं। तो दोस्तों, एक और बहुत अच्छी जजमेंट इस केस में आई है, ये ऐसे जो मसलों के अंदर आई है, इसकी जो इसका लिंक है वो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। इस वीडियो को अगर आप ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे एक फेवरेट का बटन है, उसको दबा दीजिए और फिर आपकी एक फेवरेट लिस्ट बन जाएगी, जो आपके ऐसे फेवरेट वीडियोस हैं जो आपको हो सकता है 2 साल बाद कभी ज़रूरत पड़ जाए, तो उसकी एक लिस्ट अपने आप ऐप के अंदर ही बन जाएगी। यही ऐप का फ़ायदा है। कई बार अगर ऐप आपकी डिलीट भी हो गई, दोबारा आप उसको इंस्टॉल करोगे तो भी ये वीडियोज़ वहाँ पर पड़े रहेंगे, तो इसको आप फेवरेट में मार्क करके रख लीजिए, काम आएगी कभी ना कभी। ये जो 1,00,000 रुपये वाला मसला है, ये जो हमारे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है AMTC एटवा, उनको चाहिए कि इसके ऊपर ये प्रावधान अच्छा है लेकिन पेनल्टी की अमाउंट भी गाड़ी के हिसाब से होनी चाहिए या ओवरऑल कंसाइनमेंट के हिसाब से होनी चाहिए। अब एक छोटी गाड़ी है, मान लीजिए छोटा हाथी जिसे हम बोल देते हैं, वो भी 1,00,000 रुपये, और 55 टन वाली गाड़ी भी 1,00,000 रुपये, तो वो बात जचती नहीं है। वहाँ पर अगर थोड़ा सा और सेग्रीगेशन हो जाए, गाड़ी के हिसाब से पैसे लिए जाएँ, और ऐसा भी प्रावधान हो कि आगे चल के अगर पता चलता है कि गाड़ी मालिक का कोई कसूर नहीं था, तो फिर ये पैसे रिफंड भी होने चाहिए। इसके ऊपर उम्मीद है कि कोई गौर करेगा और इसको सरकार के सामने इस बात को उठाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि जानकारी आपके लिए लाभकारी साबित होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चाहे आप ऐप पे देख रहे हैं या किसी और सोशल मीडिया नेटवर्क पर। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जुले मैं कुंगांग जो स्पीति हिमाचल प्रदेश से। मैंने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस 2-3 साल से ट्रांसपोर्ट मॉल से कराया है। ट्रांसपोर्ट मॉल से इंश्योरेंस कराना काफ़ी
आसान और फ़ायदेमंद है। ट्रांसपोर्ट मॉल से इंश्योरेंस कराने पर मुझे हर साल तीन या चार हज़ार का फ़ायदा होता है, और यहाँ से इंश्योरेंस कराने आसान है, और इंश्योरेंस में क्लेम लेना बहुत ही ज़्यादा आसान है। मेरा आप सभी से अनुरोध है, अपना इंश्योरेंस ट्रांसपोर्ट मॉल से ही कराएं, जो कि काफ़ी आसान है। ट्रांसपोर्ट मॉल जो कि ट्रांसपोर्ट गाड़ी के इंश्योरेंस के लिए सबसे अच्छा है, और ट्रांसपोर्ट मॉल के सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट के सभी गाड़ियों का हमेशा मदद करते हैं। धन्यवाद।